अभी बताता है जीतूराज क्यों ये गाना गा रहा था। वैसे दशहरे के शुभ पर्व पर रास्कल्स लग गई जो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में फेस्टिवल के शॉपिंग के बीच में संजय दत्त, अजय देवगन एंड कंगना रनौत के लाउड परफॉर्मेंस, संजय छेल के ही है डायलॉग एंड डेविड धवन के कमबैक डायरेक्शन के लिए देखी जा सकती है। बट इट्स प्योर सिंगल स्क्रीन एंटरटेनमेंट। मल्टीप्लेक्स में अगर फिल्में देखते हैं तो राजीव खंडेलवाल एक बार फिर से सिद्ध कर जाता है कि बहुत निपुण अभिनेता है। एक डीजे का रोल जो अपने सुनने की शक्ति खोने के बावजूद संगीत बनाता है। साउंड ट्रैक इंडियन सिनेमा को एक नई दिशा देने की ताकत रखती है। इफ यू आर इनटू म्यूजिक यू मस्ट कैच इट वंस। आणि विवेक ओबेरॉय आता मराठी चित्रपट करतोय बरं का, तिचा बाप त्याचा बाप इस मराठी फिल्म में विवेक ओबेरॉय नजर आता है। बट इस हफ्ते की वो फिल्म जिसके लिए जीतू राज जो बार बार रेडियो मिर्ची पर बोलता है वो बोलेगा रब राखा इज लव ब्रेकअप्स जिंदगी। इसी लव ब्रेकअप से जिंदगी में गोविंदा नीलम का खुद गर्ज वाला मैं से मीना से साकी से का एक पूरा परफॉर्मेंस नजर आता है। बड़ा क्यूट लगता है। जिंदगी के रिश्तों के बीच में जो उतार चढ़ाव हैं, जो गर्मा है, जो नजाकत से है, वो सुंदरता से लव ब्रेकअप जिंदगी में दिखाई गई है। इट्स अ पंजाबी वेडिंग बट विद अ डिफरेंस दिस टाइम राउंड। अच्छे गाने, अच्छे परफॉर्मेंसेस, जाकर एक बार बिंदास देखें एंड दिया और जायद को उनके इस नई प्रोडक्शन पर कहें रब राखा। ये सुंदर गाना फिल्म में बड़ा मजेदार लगता है। बाय द वे And हाँ, रेडियो मिर्ची 90.3 FM पर अब विवेक ओबेरॉय मराठी चित्रपटामध्ये बरं का, तिचा बाप त्याचा बाप, इट्स हॉट।